सेटल डाउन स्टूडेंट, 10D एंड 10C प्लीज सेटल डाउन। ये सारे स्टूडेंट्स आ गए जी, बाकी सेक्शंस भी इसमें। टीचर इन 10D, इज देयर एनी टीचर इन 10D? ओके, स्टिल स्टूडेंट्स आर पोरिंग इन। हाँ जी बच्चों, सेटल हो जाओ फटाफट, बैठिए बच्चे, बैठिए एफ सेक्शन में जल्दी से, जरा जो एक दो स्टैंडिंग है, प्लीज सेटल डाउन। हाँ जी बैठ गए बच्चों। चलिए नाउ स्टूडेंट्स, वी आर सपोज टू डू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 देखिए बच्चों, इसका डायग्राम बना हुआ है, राइट? ए पॉइंट इज द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस जिसकी हाइट 100 मीटर है। सी एंड डी आर पोजीशन ऑफ टू शिप्स, राइट? सी का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है दैट इज 45 डिग्री, डी का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स, मीन्स आपको सी डी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। प्लीज डू दिस क्वेश्चन। टीचर इन सेक्शन 10D, प्लीज स्विच ऑन योर माइक। हाँ जी बच्चों, कैन यू हियर मी? तो सही ये क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। डायग्राम दिया हुआ है बच्चों, करके दिखाइए। अब तो हमें 1 वीक हो गया ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन करते हुए, सो आई थिंक यू आर इन ए पोजिशन टू डू इट नाउ। ठीक है बच्चों, प्लीज डू इट। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने इस तरह के बच्चों, कर दो फटाफट से। हाँ जी स्टूडेंट्स, हो गया क्वेश्चन। हाँ जी, कितने लोगों ने कर लिया बेटा, प्लीज रेज योर हैंड। सेक्शन सी में कुछ लोगों ने किया, ई में, एफ और डी में अभी बच्चों ने नहीं किया। जल्दी से फिनिश कीजिए बच्चे, 2 मिनट और लीजिए। बोला नहीं,
हाँ जी स्टूडेंट्स, हो गया 9th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने। हाँ जी बच्चे, कौन बताएगा मुझे जरा, सेक्शन 10F से कौन बताएगा जी? 10F में किस किसने कर लिया बच्चों, प्लीज रेज योर हैंड। हाँ जी बताइए बेटा, क्या किया आपने? सर आंसर इज 73.2 मीटर। मैंने पूछा क्या किया है आपने, कैसे किया है? बताएंगे जरा। हाँ जी राइट, सर फर्स्ट 10:45 लगा के हमने एक्सपेंड किया एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जी? 100 मीटर। 100 मीटर। सारे बच्चे ध्यान से सुनिए, सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रायंगल एबीसी लिया बच्चों, इसके अंदर परपेंडिकुलर की हाइट 100 मीटर है, बेस की हाइट एक्स है, बेस की लेंथ। सो टेन थीटा मतलब 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 100/x हो गया, राइट? सो 10 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चे? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन सेक्शन 10D? प्लीज स्विच ऑन योर माइक एंड डोंट स्विच ऑफ योर माइक प्लीज। 10D प्लीज स्विच ऑन द माइक। रिस्पेक्टेड टीचर कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल इन सेक्शन 10D और नॉट? बेटा वाई यू आर नॉट डूइंग द क्वेश्चंस, नॉट रिस्पॉन्डिंग एनीथिंग? टीचर कैन यू हियर मी? टीचर इज देर सम टीचर इन 10D और नॉट? राइट बच्चों, तो ट्रायंगल एबीसी के अंदर 10:45 विल बी इक्वल टू 100/x। 10:45 की वैल्यू, 10:45 की वैल्यू वन। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 100 मीटर। नाउ अब उसके बाद आपने ट्रायंगल लेना है ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी के अंदर बच्चों लेंथ क्या हो जाएगी, बेस की लेंथ क्या हो जाएगी? बी डी, राइट? सो इन ट्रायंगल ए बी डी 10:30 डिग्री विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10:30 डिग्री? 1/√3। 1/√3। ए बी इज 100/100 प्लस सी डी जो हमें निकालना है बच्चों, राइट और नॉट? यस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, राइट? तो सी डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? मीटर। राइट। सो रूट थ्री की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 1.732। -1, 0. सो दैट विल बी 73.2 मीटर्स। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 73.2 मीटर। बच्चे यही क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में भी होता है। मॉडिफाइड फॉर्म में क्या होता है कि बोथ शिप्स आर ऑन द अपोजिट साइड्स, मींस अगर एक शिप जो था दैट इज इन फ्रंट ऑफ द लाइट हाउस, वन इज ऑन द बैक ऑफ द लाइट हाउस, राइट? सो उस केस में भी हमारे को आंसर आना चाहिए। सेम प्रोसेस है, यहां पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वहां पे एडिशन हो जाता है जी, राइट? इज इट क्लियर? चलिए जी ये नोट कीजिए फटाफट जिन लोगों ने नहीं किया बेटा।
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी दिस इज केस स्टडी बेस्ड टाइप। वी ऑल हैव सीन द एयरप्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई बट माइट हैव नॉट थॉट ऑफ हाउ दे एक्चुअली रीच द करेक्ट डेस्टिनेशन। ठीक है बच्चों, एनीबडी नोज कि जब प्लेन फ्लाई करते हैं तो करेक्ट डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचते हैं जी? एनीबडी कैन टेल? हाँ जी किसी को पता है बच्चे? देखिए प्लेन नीचे से उड़ा है, जो उसकी डेस्टिनेशन है वहां पे कैसे पहुंच जाता है? जैसे आप ट्रेन से या बस से जाते हैं तो एक रूट होता है ना हमारा, रोड बनी होती है या रेलवे ट्रैक होता है, बट एयर में तो कोई ट्रैक नहीं बना होता। यस और नो? ठीक है, तो क्या उसका सिस्टम होता है जी? देखिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल इज ए सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ग्राउंड बेस्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हु डायरेक्ट एयरक्राफ्ट ऑन द ग्राउंड एंड थ्रू ए गिवन सेक्शन ऑफ कंट्रोल्ड एयर स्पेस। क्या होता है बच्चे? एक अथॉरिटी होती है जिसको बोलते हैं ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। वो जो होती है उसका जो रूट होता है सारा देखते रहते हैं, एंड देर इज ए पर्टिकुलर स्पेस गिवन टू द एयरप्लेन्स, राइट? ओके, एक्चुअली ऑल दिस एयर ट्रैफिक इज मैनेज एंड रेगुलेटेड बाय वेरियस कॉन्सेप्ट्स बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और जो बेसिस होता है जिसपे वो काम करता है ATC, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। एट ए गिवन इंस्टेंस ATC फाइंड्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मीन्स सी, अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं, सपोज दिस इज अ ग्राउंड, यहां पे ATC की पोजीशन है जी, देयर इज ए प्लेन, सपोज हियर इज ए प्लेन, ATC फाइंड दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। इज इट क्लियर जी? आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड इट इज ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री चेंज हो रहा है, सो प्लेन विल बी दिस साइड और दिस साइड, मीन्स लेफ्ट साइड पे होगा या राइट साइड पे होगा? बताइए बच्चों। टुवर्ड्स द राइट साइड। टुवर्ड्स द राइट साइड, दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि एंगल रिड्यूस हो रहा है, एंगल रिड्यूस हो रहा है तो इट विल बी लाइक दिस, राइट? इज दिस क्लियर? यस। द हाइट ऑफ द प्लेन रिमेन्स कॉन्स्टेंट एज 3000√3 meters। ये हाइट जो है बच्चों 3000√3 meter है, कॉन्स्टेंट है, यहां पे भी सेम हाइट थी, यहां पे भी सेम हाइट है, राइट? यूज द अबव इंफॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चन। ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम फिगर टू शो द अबव सिचुएशन डायग्रामेटिकली। बेटा हम डायग्राम बना चुके हैं, ये क्या है? ओरिजिनल पोजीशन ऑफ प्लेन। इज दिस क्लियर? यस। दिस इज अ पोजीशन ऑफ द प्लेन आफ्टर 30 सेकेंड्स। इज इट क्लियर? दिस इज योर ATC। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेन इन 30 सेकेंड? प्लीज फाइंड आउट द डिस्टेंस। दिस क्वेश्चन यू कैन डू। प्लीज फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सर 6000 meters। 6000 meter, ओके, चेक कर लेते हैं जी। हाँ जी, बाकी बच्चों का भी 6000 आ रहा है? कीजिए ट्राई। सबका आ रहा है 6000 जी? प्लीज रेज, जिनका जिन्होंने कर लिया सॉल्व प्लीज रेज योर हैंड, बाकी की हम नोटबुक चेक कर लेते हैं। हाँ जी
बस आवाज तो काफी आ रही थी, दो तीन बच्चे ही नजर आ रहे हैं मुझे तो। हैंड रेज तो किया नहीं जी। हाँ जी हाँ जी बच्चों, आपने हैंड रेज नहीं किया, ओनली वन टू स्टूडेंट्स, एक ने आंसर दे दिया तो सबने यस बोल दिया था। बेटा अपनी अपनी नोटबुक्स में कीजिए क्वेश्चन को। करके देखिए, हो सकता है 6000 रॉन्ग भी हो सकता है ना। देखिए, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स कौन सा हो जाएगा 30 सेकंड में जो ट्रैवल किया, दिस डिस्टेंस, दिस वी हैव टू फाइंड, राइट? यस दिस, लेट्स सी, दिस इज वाई। हाँ जी, हो गया सबका बच्चों? प्लीज रेज योर हैंड जिन लोगों ने कर लिया है। सेक्शन एफ एंड ई, टीचर प्लीज हेल्प मी आउट कि बच्चे कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब नोबडी इज डूइंग इन 10F एंड 10E। मैम प्लीज चेक देयर नोटबुक्स, 10E। हाँ जी, दो बच्चे मुझे नजर आए जिन्होंने हैंड रेज किया जी, बाकी नोबडी इज डूइंग। बच्चे हमें एक हफ्ता हो गया इस टॉपिक को करते हुए, और अब तक तो टिप्स पे होना चाहिए आप लोगों की। आई होप कि स्कूल में भी ऑलरेडी हो चुका है आप लोगों के, एंड इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक। डायग्राम बनाना मुश्किल है, डायग्राम आपके लिए मैंने बना दिया है तो आप कर सकते हो बड़ा इजीली। आप तो ट्रिग्नोमेट्रिक भी बहुत, आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो लग रही है वो बहुत ही बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लग रही है, कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई मुश्किल लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री में भी। जस्ट टैन थीटा लगाना है हर क्वेश्चन में जी। देखिए बच्चों, जिन लोगों ने नहीं किया कैसे करना है जी इसको। सबसे पहले हम ट्रायंगल में लेते हैं जी टैन 60 डिग्री। इन ट्रायंगल लेट से दिस इज पी क्यू आर, राइट? टैन 60 डिग्री विल बी इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टैन 60 डिग्री? 2 3 √3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू? 3000 √3 मीटर 3000 √3 meters अपॉन क्यू आर इज वाई। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया अपॉन √3, सो वाई कम्स आउट टू बी 3000 meters। नाउ टेक दैट ट्रायंगल, दिस इज एल एम आर, राइट? एल एम आर, टेन थीटा इज 30 डिग्री, सो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू एल एम अपॉन एम आर, राइट? वट इज द वैल्यू ऑफ टेन यस थर्टी? 1/√3 √3। एल एम इज 3000 √3 अपॉन एक्स प्लस वाई, वाई की वैल्यू हमारे पास आई है 3000। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया बच्चों, √3 × √3 विल बी 3, सो एक्स इज 9000 माइनस, थाउजेंड तो 6000 मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज और में दिया बेटा, कीपिंग द हाइट कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द अबव फ्लाइट
इट वॉज ऑब्जर्व दैट आफ्टर 15√3 − 1 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 45 डिग्री. हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट ड्यूरेशन. हाँ जी बच्चों, बच्चे अब आपको क्या बोला है उसने कि जो डिस्टेंस चेंज हुआ है दैट हैज बीन चेंज टू 45 डिग्री. एलिवेशन जो है 45 चेंज हो गया और इसका जो ड्यूरेशन रहा है, टाइम गिवन है आपको 15√3 − 1. मीन्स इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने में जो टाइम लग रहा है दैट इज 15√3 − 1 सेकेंड. नाउ यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस. कौन सा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है? इफ दिस इज क्यू, लेट्स से दिस इज एस. दिस डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड ए डिस्टेंस. करेंगे बच्चे आप ट्राई? ये प्लीज डू इट. अब यहां पे आपको टाइम गिवन है. सर द आंसर इज 3000 × √3 − 1 मीटर. 3000 × √3 − 1 मीटर. ओके चेक कर लेते हैं बच्चे. देखिए ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा ना यहाँ तक, तो इसके बाद वाला आगे चेंज होएगा. 3000 मीटर तो सेम रहेगा बेटा, डिस्टेंस ऑफ वाई, राइट. सो अब आपके पास टेन 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 3000√3 / y + a, राइट बच्चों? दिस इज द वैल्यू ऑफ टेन 45 इज 1. क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, सो वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करनी है जी. ए वाई की वैल्यू 3000 है. थ्री थाउजेंड आपका कॉमन आ गया बच्चों, √3 − 1. दिस इज द राइट आंसर. जिन्होंने भी बताया बच्चे आंसर इज राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर. स्पीड निकालिए बच्चे. आपके पास ये देखिए डिस्टेंस आ गया, आपके पास टाइम गिवन है, यू कैन फाइंड आउट द स्पीड. सर द आंसर इज 720 किलोमीटर पर आवर. 720 किलोमीटर पर आवर. ओके देखिए बच्चों स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे. इज दिस पार्ट विजिबल बोर्ड का? स्पीड क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट. अब आपके पास जो डिस्टेंस एक्स आया है वो 6000 मीटर है. और एक्स तक पहुंचने में मींस 30 डिग्री का एलिवेशन होने में कितना सेकंड लगे थे बच्चे? 30 सेकंड्स. तो टाइम इज 30 डिवाइड कर दिया तो कितना बन गया बच्चे स्पीड? 200 मीटर पर सेकेंड. नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर. तो कैसे करेंगे जी? मल्टीप्लाई बाय 18/5. 18/5, सो दिस कम्स आउट टू बी 40. दैट मींस 720 किलोमीटर पर आवर, राइट जी? किसी को कोई डाउट बच्चों? एनीथिंग नॉट क्लियर? एग्जाम में आएगा तो कर लोगे आप लोग? यस. कितने बच्चे कर पाएंगे अभी भी? अगर अभी आप लोगों ने 5-7 लोगों ने किया है, बाकी लोगों ने तो किया है नहीं बच्चों. या तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या आप करना नहीं चाह रहे हो. क्या प्रॉब्लम आ रही है? विल यू शेयर सम प्रॉब्लम्स जो आपको फेस हो रही है अभी बच्चे? हाँ जी. ओनली 5-4 बच्चे कर रहे हैं, बाकी सब सिटिंग आइडल, जस्ट या तो नोट कर रहे हैं. कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट देयर, पार्टिसिपेशन इज मिसिंग. चलिए स्टूडेंट्स, देर आर सम डाउट्स फ्रॉम यू. आप लोगों का टेस्ट हुआ है बच्चों कोई ट्रिग्नोमेट्री का, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का? Yes. अच्छा, आपके पास वो टेस्ट वाली असाइनमेंट है? हाँ जी बच्चों, आपके पास किसी के पास है टेस्ट वाली असाइनमेंट बच्चे? नो.
नो कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ डाउट्स आए हैं बच्चों के दैट आई नीड टू क्लैरिफाई। चलिए मैं क्वेश्चन आपको डिक्टेट कर देता हूँ, देन यू कैन डू इट। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन था बच्चे, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। ठीक है बच्चे, दो कार्स का जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मीन्स दिस इज ए बिल्डिंग, यहां से बंदा ऑब्जर्व कर रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स इज दिस इज। अच्छा अब एंगल ऑफ डिप्रेशन है बच्चों, लेट दिस इज कार इज सी वन दिस इज सी टू। अब मुझे बताइए सी वन का 30 डिग्री होगा या सी टू का 30 डिग्री होगा। जी सी टू विल बी 30 डिग्री एंड दिस विल बी 45 डिग्री, राइट? यहां तो कोई डाउट? नाउ आगे क्या गिवन है क्वेश्चन में, इफ द कार्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द बिल्डिंग एंड आर 50 मीटर अपार्ट, मीन्स इन दोनों कार का जो डिस्टेंस है बीच का वो 50 मीटर है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट एच निकालनी है बच्चों हमने, राइट? तो लेट दिस बी एक्स, कैन यू डू इट? यस प्लीज डू इट बच्चों। फिफ्टी बाय रूट थ्री प्लस वन माइनस वन, 50 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1। बच्चे इसको रैशनलाइज करो, आप कभी भी जो है इरेशनल नंबर को फ्रैक्शन में नहीं छोड़ा, डिनोमिनेटर में नहीं लीव कर सकते जी। ट्वेंटी फाइव इंटू रूट थ्री प्लस वन। ओके हाँ जी, कितने बच्चों को आया ये आंसर 25 इंटू रूट थ्री प्लस वन, रेज योर हैंड्स। एक ही स्टूडेंट, नोबडीज। अच्छा एक ही, हाँ हैंड नजर आ रहा है जी मुझे। प्लीज फिनिश बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए सिंपल है। 10:45 वर्बली कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, 10:45 की वैल्यू कितनी होती है? वन। तो एच और एक्स इक्वल हो गए बच्चों, राइट? देन एच एंड एक्स आर इक्वल और नॉट, ठीक है। तो अब दूसरे केस में क्या आ जाएगा, 10:30 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस 50। 10:30 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स प्लस 50। एच और एक्स सेम है बच्चे, 10:30 की वैल्यू इज 1 बाय रूट 3। यहां तक कोई डाउट? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, राइट? एच को दूसरी तरफ ले गए बच्चे, एच कॉमन, सो एच इज इक्वल टू 50 अपॉन, इसको रैशनलाइज कर दिया जी। यहां तक किसी को कोई डाउट बच्चों? व्हाट इट बिकम्स, 50 इंटू रूट थ्री प्लस वन अपॉन, यहाँ पे ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 3 माइनस 1, 2 आ गया बच्चों, सो दिस विल बी 25। यहां तक कोई डाउट? दिस वाज द आंसर जी, ठीक है जी। बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, आप लोगों ने टेस्ट किया है ये वाला बच्चों? यस। देन क्वेश्चन नंबर 5,
फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 42 मीटर हाई लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स दैट आर इन ए स्ट्रेट लाइन। सेम क्वेश्चन बचे हम करके हटे हैं अभी। दिस इज 42 मीटर लाइट हाउस, एक शिप दूसरा शिप राइट। एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री है। दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स। दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है बच्चे। कैन यू डू इट, यस कर दो बच्चे फटाफट से जरा। सेम टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का था, ये भी सेम है। पिछले क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस बिटवीन द कार गिवन था राइट। आपको हाइट निकालनी थी बिल्डिंग की। अब यहाँ पे बिल्डिंग की हाइट गिवन है आपको, दोनों का बिटवीन द डिस्टेंस निकालना है। हाउ मच डिस्टेंस बाय शिप्स आर अपार्ट। हाँ जी, हो गया स्टूडेंट्स। हुआ नहीं बच्चों? सो 42 माइनस 14 रूट 3। वैल्यू कितनी आ जाएगी अगर √3 की वैल्यू 1.73 गिवन है जी। √3 इज गिवन 1.73। देखिए बच्चों, लेट दिस इज एक्स दिस इज वाई, सो वी हैव टू फाइंड वाई। फर्स्ट केस में टैन 60 डिग्री, 42 अपॉन एक्स, सो दिस इज √3 x इक्वल टू 42। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों राइट। सेकेंड केस में आ जाएगा टेन 45 इज इक्वल टू 42 अपॉन एक्स प्लस वाई। यहां तो कोई डाउट, यस और नो? हेलो दिस इज वन, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 42। वाई की वैल्यू निकालनी थी 42 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली है बच्चे? 42 अपॉन √3 राइट। इसको मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे, √3 × √3 से रैशनलाइज कर दिया। सो ये क्या बन जाएगा, 42 माइनस 42 √3 अपॉन 3, तो दिस इज 14। तो आपके पास क्या आ गया बच्चों, 42 माइनस 14 √3 राइट। अब क्या कीजिए, 14 कॉमन कॉमन ले लिया, 3 माइनस √3, √3 की वैल्यू गिवन है 1.73 राइट। सो दिस विल बिकम 14 × 1.27। अप्लाई कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा 17.78 78 मीटर। या मेरे पास जो चॉइस गिवन है 17.8 है अप्रॉक्स, तो दैट विल बी द राइट आंसर। क्लियर है जी? यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, जो डाउट था बच्चों का। द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन द सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री व्हेन इट इज 60 डिग्री।
फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये नोट हो गया बच्चों आप लोगों का। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर हैज बीन स्टार्टेड। कैन आई टेक 1 मिनट जी? मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूं जी, सो देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस। देखिए बच्चे, ये टावर है, इसकी हाइट एच मीटर है, एंड सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। नाउ इट इज 60 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री। नाउ दिस इज द शेडो, शेडो विल बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री, देन इट इज 60 डिग्री। मीन्स आपको ये डिस्टेंस गिवन है जी 60 डिग्री, आपको हाइट फाइंड आउट करनी है टावर की। सेम क्वेश्चन है जी, हो जाएगा बच्चों? यस ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।